Assalamualaikum. मैं सॉल्यूशन टीम से नवीद. एक डेढ़ महीने से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये मसला कहां तक पहुंचता है. अब रीसेंट अपडेट जो है, अभी रीसेंट का जो अपडेट है कहां तक पहुंचा, एचजीआईएमए का जो प्रेसिडेंट है कलीम शेख के इंटरव्यू के बारे में भी आपने देखा होगा, मौली थॉमस को बेल मिल गया और उनके तरफ से, मौली की तरफ से जो केस लड़ रहे थे वो ये एचजीआईएमए के एसोसिएशन वाले थे. अब एचजीआईएमए का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया मौली थॉमस के रिलीज होने के बाद में, कि ये केस को कम से कम 5 साल लग जाएगा. वहीं दूसरा स्टेटमेंट गली प्रेसिडेंट की तरफ से आता है कि 2 महीना लगेगा, 2-2.5 महीना लगेगा ये केस सॉल्व होने को. अब अगर आप कोई लीगल एडवाइजर को जानते हो, अगर आप उसको भी ये नॉर्मल केस देते हो, मतलब फिर स्टडी करने के लिए, या जिसको पता है, कोई भी लीगल एडवाइजर जिसको पता है, वो भी आपको बेसिकली 5 साल ही बोलेगा, 5 साल लगेगा. हाँ, अब गली प्रेसिडेंट के बारे में तो सब जानते ही हैं. आज तक एक भी स्टेटमेंट इसका ऑथेंटिक नहीं रहा. पहले 1 महीना 2 महीना, फिर 6 महीना, फिर 1 साल, फिर सेकेंड लास्ट जो था 180 डेज था, फिर उसके बाद में वापस बोला 2020 चले जाएंगा, फिर अब 5 साल के साथ में 2-2.5 महीने में आ जाएंगा. एचजीआईएमए के जो प्रेसिडेंट है कलीम शेख, जब आपने मौली थॉमस का केस लड़वाया, आपके एसोसिएशन ने लड़वाया था, जब आपको मालूम है कि 5 साल लगेगा, तो मौली थॉमस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया आपने, ना कोई मीडिया वाले पहुंचे, जैसे कि लिमरा, बीपीएन, गली, इन लोग में से भी कोई पहुंचा नहीं मौली थॉमस के पास में, ना मौली थॉमस ने खुद आके कोई स्टेटमेंट दिया. हालांकि सबको मालूम है कि इन्वेस्टर्स आज के डेट में कितने पैनिक है, क्योंकि जितने जो भी इनके एग्जीक्यूटिव थे या जो भी इनके एजेंट थे, मोस्ट प्रोबली या तो शॉप या ऑफिस बंद कर दिए हैं, या तो अंडरग्राउंड है, मतलब नहीं है जगह पे. तो इन्वेस्टर्स कितने पैनिक है ये जानने के बावजूद भी मौली थॉमस जो सेक्रेटरी है सीईओ नोएडा शेख की, उसने कोई भी हीरा गोल्ड हीरा ग्रुप के तरफ से कोई भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया अभी तक. क्यों? कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो दे सकती थी, पैसा है नहीं है क्या है, क्योंकि लीगल टीम भी कोऑर्डिनेट तो कर रही नहीं है इन्वेस्टर्स के साथ में. इन्वेस्टर्स के साथ में नोएडा शेख की लीगल टीम भी कोऑर्डिनेट नहीं कर रही प्रॉपरली. हमने भी कई बार पूछने की कोशिश किया, क्योंकि कंप्लेनेंट्स हो या नॉन कंप्लेनेंट्स हो, दोनों को पैसा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. कुछ लोगों के अलावा जैसे कि जो लोग ये गली प्रेसिडेंट के साथ में उठते बैठते हैं, मोस्ट ऑफली अगर आप उनको देखेंगे तो एबनॉर्मली है सब, जितने भी है. देखा होगा आपने उनको, जो वे में उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो भी है, एबनॉर्मली लगेंगे आपको मोस्ट ऑफली सब, और ग्रुप्स में, और उनके ऑडियोज भी सुने होंगे आपने. अब इन्वेस्टर्स को यूनाइट करने के बाद में भी पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं. नोएडा शेख की लीगल टीम या नोएडा शेख की तरफ से कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आ रहा, या कोई भी सेटिस्फैक्ट्री
स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे जिसके वजह से इन्वेस्टर्स को जो है थोड़ा मुतमईन हो जाए कि भाई हाँ हमारा पैसा मिल जाएगा। जो स्टेटमेंट जो भी दे रहा है वो कोई भी कंपनी की तरफ से ऑथोराइज्ड स्पोक्स पर्सन नहीं है, चाहे कोई भी हो, कंपनी का कोई भी ऑथोराइज्ड स्पोक्स पर्सन नहीं है जो भी स्टेटमेंट दे रहा है। कल को उनकी बात इसके लिए नहीं माना जा सकता अगर कल को इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है और नवेरा शेख बाहर आने के बाद में सीधा झड़क देती है कि ये ना मेरा एमई था ना डीएसए था, कौन होता है ये, मैंने इसको थोड़ी बोला था। इसके लिए लीगल टीम से ही कोऑर्डिनेट करने बोल रहे थे क्योंकि कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेनेंट्स के मिलने के बाद में भी देखिए दोनों को पैसा ही चाहिए। कंप्लेनेंट्स भी आज के डेट में इतना उकता गए कि बोले भाई 16 महीने में दे रही है तो 16 महीने में ही तैयार हो जाते हैं, लेकिन कम से कम कोई प्रूफ तो दिखा है 16 महीने का। जैसे कि 16 महीने का एफिडेविट जो आपने डाला है कोर्ट में और आपसे जब कॉपी मांगा जाता है तो कॉपी आप लोग दिखाते हो जेल सुपरिटेंडेंट के साइन किया हुआ। अरे जब आपने कोर्ट में डाला है कि आपके पास में इतना इतना एसेट है आप पैसा दे सकते हो तो आपको कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी दिखाना होगा ना, ऐसा लिख के तो कोई भी कुछ भी दे सकता है। अब दूसरा मेन ये है आजकल जो इसके अंदर पॉलिटिकली कितना इन्फ्लुएंस्ड है ये केस, जरा ध्यान से सुनिए ये केस पॉलिटिकली कितना इन्फ्लुएंस है आप खुद एज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहला अभी इलेक्शन से पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब का अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा था ये केस से रिलेटेड 2012 के बाद से ये इलेक्शन तलक, बट ये इलेक्शन में आया। ये इलेक्शन में इनका ये स्टेटमेंट आया कि वो भी पब्लिकली कि मैंने बोला था कि 2012 में कि सूदी निजाम है। भाई जब आप बोल रहे थे सूदी निजाम है आपके ऊपर डिफर्मेशन डाल दिया गया था, अगर आप नहीं बोल सक रहे थे, वैसे आप ये गली छाप प्रेसिडेंट की तरह एक लेमैन तो हो नहीं, क्योंकि ये जो लेमैन है इसको सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही मीनिंग मालूम है, वो जूते पे चिपकाने वाला गम। दो क्लास आगे पढ़ लिया होता तो सॉल्यूशन के मीनिंग्स मतलब थोड़ा वकैबुलरी बढ़ जाता है इसका, सॉल्यूशन का क्या क्या मीनिंग होता है मालूम पड़ जाता है, या गूगल करके देख लेना चाहिए था सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता। एक्चुअली मैं मेन ये बता रहा था कि ये कंपनी हैदराबाद में चल रही थी जहां के इनके सदर हैं ओवैसी साहब, जो अभी इलेक्शन में बोले थे कि मैंने कहा था कि ये सूदी निजाम है, आपके शहर आपके सिटी में ही चल रहा था और इसके अंदर ये कंपनीज के अंदर 100% सिर्फ मुस्लिम्स का ही इन्वेस्टमेंट था, लेकिन तो भी आपने मुस्लिम्स को कोई भी मतलब चेतावनी या कोई भी कुछ भी मतलब आके रोकने की कोशिश नहीं की, चाहे मीडिया हो मीडिया के वजह जरिए या पब्लिकली भी तो आके आप रोक सकते थे। और आपके ऊपर डिफर्मेशन था तो 2016 में सुचिता दलाल ने इसको एक्सपोज कर दिया था कि ये पोंजी है। 2017 में सेबी के वेबसाइट पे भी आ गया था 2017-18 में कि हीरा ग्रुप पोंजी है। जब पोंजी है आ गया था आप इसके जैसा गली प्रेसिडेंट तो हो नहीं, आप बैरिस्टर हो, आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते थे और
पब्लिक भी अवेयर हो जाती है चीज से, लेकिन नहीं लिया था आपने। हालांकि आप बोलते हो कि आप मुसलमानों के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आपने कुछ एक्शन नहीं लिया। और अब इलेक्शन का जब टाइम आया, जब पैसा मिलना बंद हो गया, आज के डेट में इन्वेस्टर्स जिसने इन्वेस्ट किया है इसके अंदर क्या क्या हालात से गुजर रहे हैं। हाँ, आपका एक आदमी लगा हुआ ये चीज में, कंप्लेन करा रहा है। चलो जो कंप्लेन करा रहा है, मतलब चलो जो आपके आदमी की बात सुन रहा है या आपकी बात सुन रहा है, उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्लेन कराने के बाद में भी उनका इकोनॉमिकल कंडीशन एकदम खराब है। उनके लिए आप क्या कर रहे हो? कम से कम आप जो इसको पैसा देते हो अपने पार्टी फंड में से, वही पैसा इन्वेस्टर्स को दे सकते थे जो कंप्लेन किए हैं, या कुछ तो हेल्प कर सकते थे इन्वेस्टर्स की। नहीं किया, पहले भी नहीं बताया था, पहले रोका भी नहीं था पब्लिकली आके। कोई आपका कोई भी प्रोग्राम नहीं है या कोई भी वीडियो नहीं है अभी तक सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी, जिसने आपने रोका हो कि ये सूदी निजाम है या ये पोंजी स्कीम है। इसका मतलब आप खुद इन्वॉल्व थे इसके अंदर, या आप खुद चाह रहे थे कि मुसलमान डूब जाए। इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा शो ऑफ करके कि मैंने बोला था, मेरे ऊपर डेफर्मेशन था, ये दिखा के थोड़ा सिंपैथी गेन कर लूंगा। आपके सिटी में ही, मतलब आपके नाक के नीचे चल रहा था ना ये सब, आप रोक सकते थे। और अब ये चीज का कंक्लूजन क्या है, क्या मतलब इसका हल क्या निकलता है? इन्वेस्टर्स जो है यूनाइट हो चुके हैं, कंप्लेनेंट्स हो या नॉन कंप्लेनेंट्स, दोनों यूनाइट हो चुके, एक ट्रैक पे आ चुके। क्योंकि इन्वेस्टर्स को सिर्फ अपना पैसा चाहिए, यहाँ पे सोशल मीडिया पे कोई फोकट में मस्करी करने के लिए नहीं है, किसी के पास में टाइम नहीं है इतना जो आके अपना सर खपाए बार बार सोशल मीडिया पे और झगड़ा करते बैठे। और ये जो गली प्रेसिडेंट है, ये अभी भी कुछ लोगों को पाल के रखा है। हालांकि आप इसके साथ में अगर किसी को भी देखेंगे, वो आपको स्टेबल नहीं लगेगा, कोई भी ना स्टेबल रहेगा ना इंटेलेक्चुअल रहेगा। आपको मोस्ट प्रोबेबली इसके साथ में जो भी लोग दिखेंगे एबनॉर्मल दिखेंगे, और वही एबनॉर्मल लोगों के साथ मिलकर ये वापस से फितना फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये फितने के वजह से कितने घर टूट गए, कितने लोग मर गए, किसी को कुछ अंदाजा है? अब नोएडा शेख जब अमानतदार है, दीनदार है, पैसा लिया है इन्वेस्टर्स का, तो उनकी लीगल टीम या उनके फैमिली मेंबर्स कोई तो बाहर आके इन्वेस्टर्स को जो एकदम नीडी है उनको हेल्प करना चाहिए ना, या इनकी लीगल टीम इन्वेस्टर्स के साथ में प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना चाहिए ना। इनकी लीगल टीम कोऑर्डिनेट कर रही है ना, जो चीज बोला है उसका प्रॉपर एविडेंट प्रूफ दे रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए? मॉली थॉमस बाहर आ गई, जो के सेक्रेटरी थी सीईओ की, उसने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया। क्यों? जितने भी एमई वगैरह थे वो अंडरग्राउंड है, इन्वेस्टर्स करेंगे तो क्या करेंगे, क्या क्या रहे हैं आप लोग? और जितने भी इन्वेस्टर्स है, आप लोग यूनाइट हो जाओ। आप लोग अगर यूनाइट होगे तो एक ताकत बनोगे, अगर डिवाइड रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कंप्लेनेंट्स हो या नॉन कंप्लेनेंट्स, एक पावर बन जाओ पहले, क्योंकि अल्लाह भी कुरान में बोलता है चैप्टर 8 वर्स 73 में, अगर तुम यूनाइट नहीं होगे तो तुम्हारे अंदर करप्शन और फितना फैलेगा। और चैप्टर 3 वर्स 105 में के जानने के बावजूद भी अगर तुम डिवाइडेड हो तो तुमको एक भयंकर, तुम्हारे ऊपर भयंकर अजाब डाल दिया जाएगा। आप लोगों को लग नहीं रहा है,
जानने के बावजूद भी एक दूसरे से जो डिवाइडेड है, कुछ भयंकर हो रहा है इन्वेस्टर्स के साथ में, हमारी नहीं तो कुरान की बात मान के यूनाइट हो जाओ। चैप्टर नंबर वर्स नंबर कोट कर रहा हूं, अबे मैं तीर नहीं मार रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 वर्स 105, अगर जानने के बावजूद भी अगर आप यूनाइट नहीं होते हो तो आपको एक आपके ऊपर एक भयंकर आजाब या आपके ऊपर एक आपको भयंकर पनिशमेंट दे दिया जाएगा। और जो गली प्रेसिडेंट जो है, जो आपके पास जो पैसा आ रहा है, आप आपके सदर को बोल के जो लोगों से आपने कंप्लेन करवाया है वो लोगों की तो मदद करो, वैसे आपके जबान का कोई मुकाबला गया? आपकी जबान से जो भी बात, आपकी जबान का तो कोई मान ही नहीं सकता। आज तक आपने कोई भी एक सच्चा स्टेटमेंट दिया है कि हमेशा आपके जितने भी स्टेटमेंट आए सब फैब्रिकेटेड ही है? तो थोड़ा तहकीक करके जो भी है बोलो, गरम तवे पे मत बैठ जाओ, चालू हो जाओ इसका जवाब उससे, आलू बटाटा ये वो फला डिमका। और HGIMA का जो प्रेसिडेंट है उसका भी कुछ ऑडियो है मेरे पास में, इंशाल्लाह वो भी मैं बताऊंगा कब क्या कैसे, तो देखते रहिए आप लोग वीडियोस और यूनाइट रहिए। और अब यूनाइट होने के बाद में एक साथ जो भी कदम उठाना है, जो भी स्टेप लेना है, सबसे पहले तो नोएरा शेख की लीगल टीम या नोएरा शेख को जो भी फैमिली मेंबर या जो भी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी ऑफिशियली अपॉइंटेड है, आके कोई सेटिस्फैक्टरी एविडेंट प्रूफ दिखाए, ताकि इन्वेस्टर्स को दिखाने में जो भी कंप्लेनेंट्स हो या नॉन कंप्लेनेंट्स जो है, थोड़ा उनके अंदर से पैनिक कम हो और आपकी बात सुने। ठीक है, चलिए, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।